नंबर सूरज गुरु होने के बाद इफ्तार में जल्दी करना नंबर दो खजूर से इफ्तार करना अगर खजूर ना हो तो पानी से इफ्तार करना नंबर तीन नंबर चार शहरी करना नंबर पाँच शहरी करने में ताखिर करना अलबत् इतनी ताखिर ना करना के सुबह शादी हो जाने का शक हो जाए नंबर छः सुबह सारी सेबल ही जनाबत वगैरह का गुस्ल कर लेना ताकि तहरत की हालत में रोजा मुकम्मल हो नंबर सात कसरत से नंबर नौ झूठ य चुगलखोरी और गाली गलों से अपनी जबान की हिफाजत करना नंबर दस लजत बख्श चीज़ों से अपनी नस को बचाना चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो रोज़े के मुफ्दात वो चीज़ें जिससे रोज़ा टूट जाता है नंबर एक किसी ने रोजेदार के मुंह में कोई चीज डाल दी वो हलक से नीचे उतर गई नंबर दो रोजा या था और कुल्ली करते वक्त बिलाहस्द व इरादा हलक में पानी चले गया नंबर तीन कई तो उसे जान कर निकल लिया। नंबर चार मुंह भर के जान बुझ कर कह करना नंबर पांच कंकर या उस जैसी चीज निकल लेना नंबर दांतों में चने के बराबर फंसी हुई चीज को निकल लेना नंबर सात दांतों में चने की मकदार से कम कोई चीज फसी हुई थी उसे मुँह से निकाली फिर खा ली नंबर आठ कान नाक में तेल या दवा डालना नंबर नौ नाक के जरिए किसी चीज को इस तरह अंदर लेना के वो चीज दिमाग या पेट तक पहुंच जाए जैसे छींकने या निस्वार वगैरह नाक से चढ़ाना नंबर दस दवा को भाग की शक्ल में मुंह या नाक से खींचना इन्हेलर या गैस पंप का इस्तेमाल करना या बखाने के रास्ते से दवा डालना नंबर बारह सुबह शादी के बाद यह ख्याल करके अभी वक्त बाकी है शहरी खाली फिर मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो रोज़ा नहीं होगा नंबर तेरह अबर या गुबार की वजह से सूरज का गुरु होना मालूम ना हो सका और ये ख्याल करके कि सूरज गुरु हो चुका है इफ्तार कर लिया फिर मालूम हुआ कि अभी दिन बाकी है तो रोजा नहीं होगा लाइक Share, subscribe.